ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज़ मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए इंसान जहाँ भी जाए वहीं मंदिर बन जाए। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही हैप्पी होंगे, आप स्वस्थ होंगे। तो आज सोमवार का व्लॉग था ये, तो दो दिन बाद शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप देखते तो हो नहीं, इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना रही हूँ, मोटिवेशन वीडियो बना रही हूँ। तो आप वीडियो को फुल एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं एंजल को तैयार कर रही हूँ, फटाफट से एंजल को तैयार करने के बाद हम चले जाएंगे मंदिर। तो आप अपने कर्म करते रहिए, कर्म आपके अच्छे होने चाहिए, और ईश्वर तो सब देखता है, अच्छे बुरे कर्म ईश्वर से कोई नहीं बच सकता है, ये तो एकदम सच्ची बात है। तो मैं तैयार हो गई हूँ, थोड़ा टचअप कर लिया। जो ये कुर्ती मैंने पहनी है ना फ्रेंड्स, बहुत ही लूज़ हो गई है, इतना ज़्यादा वज़न कम हो गया है ना मेरा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे कैसे मैंने अपनी आदतें बदली, खाने का जो तरीका है 32 का फॉर्मूले से खाया, और मतलब बहुत सी मतलब खान पान का जो ज़्यादा है उससे ही मेरा ज़्यादा वज़न कम हुआ और एक्सरसाइज हो गई। बहुत सी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहना आप। चलिए फ्रेंड्स, अब मंदिर की तरफ चल लेते हैं, और मौसम हो रखा है बहुत ही बढ़िया, सुहाना सुहाना। अब थोड़ा गर्मी भी कम हो रही है एक दो दिन से, नहीं तो बहुत ही ख़तरनाक वाली गर्मी हो रही थी। तो हम मंदिर में पहुंच गए हैं। तो ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करें, और आपको हर दुख से भोलेनाथ दूर रखें, आपकी हर इच्छा पूरी करे भोलेनाथ। और यहाँ पे एंजल की फ्रेंड भी थी, तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हो रखी थी। बच्चे तो बच्चों के साथ ही खुश होते हैं। तो यहाँ पे मैं धूप बत्ती बना रही थी, तो एंजल से मैंने कहा कि बेटा थोड़ा सा, उसको बोला मैंने वीडियो शूट कर दो, ऐसे मंदिर में ना फ़ोन ले जाना अच्छा भी नहीं लगता, अजीब सा लगता है, जैसे ना लोग भी मतलब देखते हैं अजीब लगता है, ऐसे भी अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा शांति से पूजा पाठ करना अच्छा लगता है। तो भोलेनाथ तो है ही भोले, वो आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। अब मैं भोलेनाथ को बहुत ही मानती हूँ, मेरा मानना ये है कि भोलेनाथ सच में हैं भोले, और सारी इच्छाएं वो पूरी करते हैं। तो इसलिए भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहे, और आपका परिवार और आप हमेशा खुश रहें। तो ओम नमः शिवाय। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम घर, घर की तरफ। अब मैं एक्सरसाइज करूँगी अपनी, तो ये वाली एक्सरसाइज रनिंग बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। 80 किलो वज़न है, 70 केजी वज़न है, तो ये वाली एक्सरसाइज कीजिए आप 30 टाइम सुबह शाम, खाली पेट एक्सरसाइज कीजिए। बिना एक्सरसाइज के कुछ नहीं होने वाला है। कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करो, तो ये भी अच्छा कर्म है कि अपनी बॉडी को फिट रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना। क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ है। और सेकंड एक्सरसाइज ये है, इस तरीके से आपने हाथों को ऐसे मुट्ठी बनाना, और इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा बैठना है। इससे ना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, बेली फैट और हिप की एक्सरसाइज भी है ये, ठीक है फ्रेंड्स। और ये वाली एक्सरसाइज भी आप 30 टाइम कीजिए। ये एक्सरसाइज है थाई और टमी के लिए। किसी के बहुत ही ज़्यादा थाई होती है ना, तो बहुत ही दिक्कत होती है, तो ये वाली एक्सरसाइज कीजिए। और थर्ड एक्सरसाइज ये है, फोर्थ एक्सरसाइज ये है, तो इसको कीजिए आप 30 टाइम सुबह शाम कीजिए। ये वाली मैंने एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा की है, और इससे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है। जो फुल बॉडी है ना, फुल बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है इससे। फिफ्थ एक्सरसाइज ये है, पांचवी एक्सरसाइज ये है, ब्रेस्ट साइज ज़्यादा है ना आपके, हैवी ब्रेस्ट साइज है, तो ये वाली एक्सरसाइज कीजिए, और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, मैं 100% आपको बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा आप पे। और आपकी कमर है ना, जो कमरा हो रखी होगी ना, एकदम मक्खन की तरह जो चर्बी है वो गल जाएगी। और सिक्स्थ एक्सरसाइज ये है, ये भी ब्रेस्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। तो आप जितनी भी मैं एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये भी हैवी ब्रेस्ट के लिए है ये एक्सरसाइज, ठीक है। आप 30 टाइम एक्सरसाइज कीजिए, बस अपना एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए सुबह शाम 2 टाइम, तो आपका जल्द से जल्द फ़र्क पड़ेगा, जो बॉडी की चर्बी है ना एकदम देखना आपकी गल जाएगी।
और सातवीं एक्सरसाइज ये है, फुल बॉडी की एक्सरसाइज है और थाई टमी के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। बस एक्सरसाइज हो गई है फ्रेंड्स, तो मेरे कपड़े भीगे थे क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह धुले थे, तो इसलिए फिर मैंने अपने लिए सौंफ का पानी बना के रखा था। थोड़ा गुनगुना ही पीना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, सौंफ का पानी पियो, जीरा का पानी पियो, थोड़ा गुनगुना ही पियो। और ये वाला जो पानी है ना, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये, इससे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। और इस पानी को आपने हल्का सा थोड़ा सा ठंडा होने दिया करो, ज़्यादा गर्म नहीं पीना है। गुनगुना जो होता है ना, इस तरीके से गुनगुना होने दिया करो पानी को, और फिर घूट घूट करके पानी को पी जाना, ठीक है। सिप सिप करके पीना है, एकदम एकदम नहीं पीना है। अब बहुत ही टेस्टी होता है ये पानी जो होता है ना, बहुत ही स्वाद आता है इस पानी का। इसको ज़्यादा देर तक भी मत उबालना आप, जो इसके सारे मिनरल्स हैं ना वैसे ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादा भी नहीं उबालना कि एकदम गला दो जैसे, ज़्यादा नहीं उबालना है। हल्का हल्का इसको थोड़ा सा आप पकाना, तब जाके इसको सिप सिप करके आप गुनगुना होने के बाद पी जाना। फिर मैंने थोड़ा फ्रूट्स में एप्पल और नाशपाती जो पियर होता है वो काटा, और बस मैं खा रही हूँ अपने फ्रूट्स। तो मैं व्रत के दिन, मतलब मेरा ये होता है, मैं पेट भर के, ऐसे कोई होता ना किसी को भूख लगती है तो मुझसे तो नहीं खाया जाता है, बस फ्रूट्स खाने के बाद मैं पोछा लगा लेती हूँ। फिर मैंने एंजल को भी स्कूल से लाना है, बहुत से काम होते हैं, तो मैंने झाड़ू लगा लिया था, मंदिर की सफाई भी कर ली थी, तो बस अब मैं अपनी साफ़ सफाई में लग गई हूँ। घर के काम काजों से भी हमारा बहुत ही ज़्यादा वज़न कम होता है, तो मैं तो ज़्यादातर मॉप से ही लगाती हूँ पोछा, क्योंकि कोने कोने में अच्छी तरीके से लग जाता है फ्रेंड्स पोछा, तो इसलिए मैं मॉप से ही लगाती हूँ पोछा। बस मैंने सारे रूम में भी लगा दूँगी, चारों तरफ किचन में भी लगा लिया है, सब जगह पोछा लगा लिया है। अब जो पायदान होते हैं ये धुल के रखे थे, इनको भी बिछा देती हूँ। थोड़ा हल्की फुल्की दरी बिछा रखी है मैंने आजकल, जो बरसात में फटाफट से धुल भी जाए और सूख भी जाए। तो बस अब मैं एंजल को स्कूल से लेके आ गई हूँ, तो अभी तो इस दिन बारिश थी नहीं, तो बस एंजल का बैग रखती हूँ। पहले सबसे पहले बैग चेक करती हूँ कि टिफ़िन खाया कि नहीं खाया, ये भी बड़ी चिंता होती है। बच्चे ने अगर टिफ़िन खा लिया ना, तो माँ को भी ऐसा लगता है कि मेरा पेट भी भर गया, हाँ भाई खुशी होती कि बच्चे ने टिफ़िन खा लिया। तो बस कपड़े धुले थे जो मेरे बाहर, में उन कपड़ों को ले आई हूँ, अंदर रख दूँगी। तो यहाँ पर एंजल खेल कूद रही है, तो एंजल के लिए मैंने बनाई है, खिचड़ी बनाई है एंजल के लिए। तो ऐसा नहीं है कि खिचड़ी बेकार होती है, हेल्दी सी खिचड़ी बनाओ, बढ़िया सी, ये मूंग दाल वाली, पीली मूंग दाल नहीं होती जो, तो बढ़िया सी हेल्दी सी खिचड़ी बनाई है मैंने। जैसे इसमें ना फिर बाद में घी डाल दो ना, बच्चे के लिए अच्छा होता है, हींग का, जैसे हींग होता है ना थोड़ा, तो हींग भी, हींग का तड़का भी लगा लिया करो, इससे खाना पच जाता है। तो एंजल को मैं खाना खिला लेती हूँ। फ्रेंड्स मैं अपने किचन में आ गई हूँ, तो मैंगो तो मेरा खाने का मन नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ मैंगो का सेक ही बना दूँ। तो बस एंजल को स्कूल से लेके आ गई थी, तो नहीं एक्सरसाइज वगैरह सब कर ली थी, अब मैं मैंगो सेक बना रही हूँ। लेके आई, बस मैंने ना सूट चेंज कर दिया था, मुझे ना टी शर्ट ही सही लगती है, घर में ना गर्मी होती है ना, तो सूट वगैरह ना झंझट से लगती है सूट पहनने में, और आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिन कपड़ों में आपको कंफर्टेबल लगता है ना वही पहने, तो मेरा मानना तो यही है, बस टी शर्ट डाल दी अपना आराम से। तो बस मैंने मैंगो सेक बना दिया है अपने लिए, और जानबूझ के जो ये फ्रूट्स हैं ना, मैंने इस तरीके से मतलब काट काट के डाले हैं थोड़ा, मतलब मैंने जानबूझ के इन फ्रूट्स को दरदरा सा बनने दिया, जो खाने में अच्छा लगता है मैंगो ना। तो बस अब हम मैंगो सेक पी लेते हैं फ्रेंड्स, आप भी पी लीजिए। तो मैंने इसमें मीठा वगैरह नहीं डाला है, मीठा डालना ज़रूरी नहीं है, और मीठा तो मैं खा भी नहीं रही, चीनी है ना, चीनी नहीं खा रही हूँ मैं। जैसे मैं कभी कभार चाय भी बनाती हूँ ना, तो गुड़ की चाय बना रही हूँ मैं, मीठे से भी बहुत ही ज़्यादा जो आपका वज़न है बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये मंदिर के बर्तन मैंने धो के रखे थे, इनको मैं साफ़ करके मंदिर में रख देती हूँ। अब शाम का समय है, अपने मंदिर में भी पूजा पाठ कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, तो बस इनको मैंने धो धा के रख दिया है। फिर पूजा पाठ करने के बाद बनाएंगे खाना, तो फटाफट से मैं पूजा कर लूँगी और आरती पढ़ लूँगी, और एंजल को मैं भी मैं बोलती हूँ कि बेटा हाथ जोड़ लिया करो, और बच्चों को भी हमें मंत्र सिखाने चाहिए, क्योंकि हमारे
हिंदू धर्म में ऐसा हो गया है कि बच्चों को गाने सिखा रहे हैं लेकिन मंत्र नहीं सिखा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको मंत्र भी सिखाए, ये हमारे हिंदू धर्म में है। और यहाँ पे मैं फिर रात के खाने की तैयारी करने लग गई हूँ, व्रत का खाना बनने लग गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम गढ़वाली लोग रोटी खाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा खीर बना लिया, तो गुड़ की खीर बनाऊंगी मैं। तो वज़न कम करना है तो गुड़ की चाय पी लो और गुड़ डाल दो खीर में, आप बहुत ही बढ़िया होता है। मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी और आलू, आलू लौकी बनाऊंगी मैं, और मैंने इसमें हींग का तड़का डाल दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हींग भी खाया करो आप, इससे हमारा ना जो खाना है पच जाता है, गैस की समस्या ख़त्म हो जाती है। तो मेरा वज़न किन आदतों से जो है कम हुआ है, एक मैंने तेल खाना कम कर दिया और मिर्च मसाले हैं बहुत ही कम कर दिया, और गरम मसाले को आप त्याग दीजिए, तभी जाके आपका जो वज़न है कम हो पाएगा। थोड़ा सा इसमें मैं मैगी मसाला डाल दूँगी जो कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया यम्मी सा बन जाएगी, तो बढ़िया सी स्वादिष्ट सब्जी बन जाएगी। तो इसमें मैंने आलू डाले, नहीं तो हम गढ़वाली लोग क्या करते हैं इसमें ना दूध भी ऐड कर देते हैं, और जो सब्ज़ी होती है ना बड़ी लाजवाब होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। तो दिखने में लग रही है ना बहुत ही स्वादिष्ट, तो बनी भी बहुत ही स्वादिष्ट थी फ्रेंड। तो जिस दिन व्रत होता है तो उस दिन ऐसे ही चटपटा खाने का मन करता है। तो हम गढ़वाले लोग सब्जी रोटी बनाते हैं और मीठा बनाते हैं, हमारे इधर तो ऐसे ही है, बनता है। और फिर उसके बाद ये है गुड़ का पाउडर, तो आपको ये किसी भी लोकल स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है, राशन की दुकान में मिल जाएगा आपको ये। तो ये मेरी व्रत की थाली तैयार है फ्रेंड्स, तो आप भी खा लीजिए खाना। तो बस अब हम खाना खा लेते हैं, तो खाने को खाना है अपने बारीक बारीक चबा के, कम से कम 10-15 बार भी खाने को अच्छे से चबा चबा के खा लिया करो। तो बहुत ही स्वादिष्ट हो रही थी सब्जी, और एंजल को भी खिला रही हूँ मैं। बाहर का खाना छोड़ दो, और हमेशा ध्यान रखना जब भी खाना खाते हो तो घूट घूट करके बीच बीच में पानी पिया करो। तो एक डियर का मुझे कमेंट आया था कि खाना खाने के बाद पानी पी सकते हैं, तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि खाना खाने के बाद कभी भी आधे घंटे बाद पानी नहीं पीना है। जब भी आपने पानी पीना है तो थोड़ा घूट घूट करके खाना खाते समय पानी पी लिया करो, या खाना खाने के पहले, जिससे आपको भूख भी कम लगे। तो एंजल मुझे दिखा रही टीवी में कार्टून, देखो मम्मी, तो ये गुड़ की खीर भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, इस तरीके से कभी बना के देखिए फ्रेंड्स आप। चलिए अब वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है, तो फ्रेंड्स अब वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं आपको बताती हूँ किन आदतों की वजह से मेरा वज़न कम हुआ है इतना। सबसे पहले पहली बात, आप ऑयल को कम कर दीजिए, ऑयल बहुत ही कम खाना है। मैंने जैसे ऑयल है ऐसे अंदाजे से नहीं डालती थी, बस ऑयल डाल दिया, कभी ज़्यादा पड़ गया कभी कम पड़ गया, इससे भी हमारा वज़न बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ता है। दूसरा होता है मीठा, मुझे मीठी चाय पीने की इतनी आदत पड़ गई थी ना, जिससे मेरा वज़न बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। अब मेरे हस्बैंड भी बोलने लग गए थे कि चाय में इतना मीठा नहीं डालना चाहिए, और मीठा खाने से भी बहुत ही ज़्यादा वज़न बढ़ता है हमारा। और आप ना मीठा खाने की आदत है तो गुड़ की खीर बना दिया करो, या गुड़ का हलवा बना दिया करो, या गुड़ की चाय बना दिया करो, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। पहले के लोग तो गुड़ की चाय पिया करते थे, गुड़ का ही हलवा खाया करते थे, गुड़ की खीर खाया करते थे, तो तभी तो एकदम फिट भी रहते थे, क्योंकि घर का काम काज भी उतना ही होता था उन लोगों का। और तीसरी बात ये है कि आप तीखा खाना भी कम कर दीजिए। तीखे का मतलब है कि लाल मिर्च मत खाया करो, हरी मिर्च होती है ना जो, उसको खा लिया करो, और गरम मसाले वगैरह छोड़ दो आप। इससे भी आपका वज़न देखना बहुत ही जल्दी कम होगा, और खाने को बारीक बारीक से चबाओ और एक्सरसाइज करो सुबह शाम 30 टाइम, आपका वज़न ज़रूर कम होगा। तो आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली मोटिवेशन वीडियो के साथ। बाय गाइस, टेक केयर।